हाय फ्रेंड्स, प्रगति दिस साइड में यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ग्राफिकल सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे बाउंडेड प्रॉब्लम के, उसका एल्गोरिथम देखेंगे प्लस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। सबसे पहले हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे बाउंडेड प्रॉब्लम्स का, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक इज गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कभी कभी आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कॉन्स्ट्रेंट्स गिवन होती है तो आपका फर्स्ट स्टेप हट जाएगा उस केस में। मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ये आपको गिवन होगा। नहीं गिवन है तो आपको फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा है ग्राफ बनाना है जितने भी हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है उनका। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है इनइक्वालिटीज का या इक्वालिटीज जो भी आपको गिवन है। थर्ड स्टेप हमारा है हमें थ्योरम वन एंड थ्योरम टू जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी वो अप्लाई करनी है, क्योंकि जो हमारा आर फिजिबल रीजन आएगा उसमें इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कौन सा मिनिमम वैल्यू दे रहा है। सो उस केस में हमें थ्योरम वन और थ्योरम टू रेफर करनी है। ठीक है, फोर्थ स्टेप हमारा है जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स है वो आपको क्या देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x + y सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स। इसमें फर्स्ट स्टेप आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी गिवन है उस फॉर्म में। तो सेकंड स्टेप से प्रोसीड करते हैं, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सो इनइक्वालिटीज के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में चेंज करो। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, x जीरो वाई 50, y जीरो x 50, राइट। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस तो ये हमारी लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, राइट। नाउ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 50। ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम ओरिजिन ले लेंगे 0 0 पॉइंट। अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा शेडेड रीजन, अदरवाइज अपोजिट टू ओरिजिन। सो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, ट्रू। सो इस साइड होगा। Now second inequality is 3x plus y is less than equals to 90. ठीक है, so y को 0 रखो, x क्या आएगा 30, x को 0 रखो y क्या आएगा 90। इनको ज्वाइन कर देते हैं। So, ये हमारी आ गई 3x plus y equals to 90 वाली, right? Now x y 0 0 रखो, 0 plus 0 is less than equals to 90, true. So towards origin, इस साइड आ गया। Next is x greater than equals to 0. X equals to 0 वाली कौन सी लाइन है, ये लाइन x equals to 0 है और ये हमारा y equals to 0 है। So x greater than equals to 0 means इस साइड, y greater than 0 means इस साइड। सो कॉमन एरिया क्या आ गया हमारा, दिस वन ये 30 है, ये हमारा क्या है 20 30, ये हमारा पॉइंट है 30 0, ये है 0 0, बाउंड्रीज को मेंशन कर लो, और ये हमारा है 0 50। ठीक है, शेडेड रीजन की बाउंड्रीज के पॉइंट्स को मेंशन जरूर करना। नाउ सी, ये हमारा आ गया बाउंड्री रीजन, फिजिबल रीजन है ये, राइट।
इसके सारे पॉइंट्स जो है नॉन नेगेटिव है एक्स वाई की वैल्यूज प्लस इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. फिजिबल रीजन है ये हमारा, पर इस रीजन में हमारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी. आपको इस प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज करना है. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करनी पड़ेगी थ्योरम 1 एंड 2. ठीक है, सेकेंड थ्योरम क्या कहती है, अगर आर हमारा फिजिबल रीजन है और वो बाउंडेड है, बाउंडेड है, ये बाउंड्रीज है, बाउंडेड है, तो जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी, जो ऑप्टिमल वैल्यू आएगी, वो कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगी. सो आपको कॉर्नर पॉइंट्स चेक करने हैं. सो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, 0, 0, 30, 0, 20, 30 एंड 0, 50. ठीक है, सो इनकी वैल्यूज किस में डालनी है हमें, जेड में. सो व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 0, जेड क्या आ गया हमारा 0. व्हेन एक्स इज 30 वाई इज 0, सो एक्स ये क्या आ गया, जेड हमारा 4 × 30 = 120 + 0. तो ये हमारा आ गया 120. 050, 4 × 0 + 50 क्या आ गया, सिंपली 50. 2030, 4 × 20 दैट इज 80, 80 + 30 = 110. सो हमें मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 120. सो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 120 पे, किस पॉइंट पे आई है 30, 0. तो लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 120 एट पॉइंट 30, 0. आंसर होगा सिंपल. अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स में ये स्टेप्स तो रहेंगे ही, प्लस एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा, दैट इज वेरिफिकेशन. आपको वेरीफाई करना होगा जो आप कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आई है वो सच में उस सॉल्यूशन है या नहीं है. सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अनबाउंडेड प्रॉब्लम्स. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप भेज सकते हैं अपने डाउट्स मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, या आप मुझे मेल कर सकते हैं. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट ओवर देयर. टिल देन बाय बाय.